जालौर जिले में कुल 32 राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। सूची परिशिष्ट एक पर संलग्न है। दो विधानसभा क्षेत्र आहोर में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय गोपालबाड़ी में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची निम्नानुसार है। वरिष्ठ अध्यापक एक, कार्यरत एक, रिक्त 0। तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 स्वीकृत 2, कार्यरत 0, रिक्त 2। तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 2 स्वीकृत 2, कार्यरत 0, रिक्त 2। जी हाँ, संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल प्रथम के 272 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 216 पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है तथा शेष पदों पर भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। अध्यापक लेवल द्वितीय के 1505 पदों को भी भरने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इन पदों पर कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती हेतु सेवा नियमों में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 3 जी नहीं, विद्यालय में विगत कुछ वर्षों में भी नामांकन वर्तमान नामांकन के समतुल्य रहा है, तथापि रिक्त पदों को यथाशीघ्र भर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने 2021-2022 में भी ये प्रश्न लगाया था, क्योंकि मेरे क्षेत्र में ये मात्र एक विद्यालय है। उस समय 5 में से 2 पद भरे हुए थे, 3 खाली थे, और यही सूचना मेरे को दी थी कि 1700 पद भरेंगे, 200 भरेंगे, लेकिन वो पद एक था, वो भी खाली हो गया, उल्टा एक हो गया है। पिछले 4 वर्षों से इस विद्यालय में एक अध्यापक है, और वो भी कहीं ना कहीं व्यवस्था में लगा रहता है। तो ये पद वास्तव में यूं ही रहेंगे पूरे 5 वर्ष तक, या कोई कोई इसकी व्यवस्था होगी? अच्छा, आप तो 5 वर्ष 6 महीने बाजी। अध्यक्ष महोदय, इस विद्यालय में मात्र 29 विद्यार्थी हैं, और यहाँ पर मुकेश कुमार जी और गोविंद सिंह जी, ये 2 आदमी कार्यरत थे, लेकिन 28 तारीख को एक गंभीर शिकायत के आधार पर मुकेश कुमार जी को वहाँ से निलंबित कर दिया, और 2 अध्यापक अशोक कुमार ओडवाड़ा और नवल किशोर मंजल बाड़मेर से, इनको दोनों को कार्य व्यवस्था लगाने के आदेश 1 मार्च को जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर 29 विद्यार्थी और 3 अध्यापक लगे हुए हैं। जैसे जैसे हमारे पास रीट की भर्ती के सेलेक्शंस आएंगे, हम बाकी पदों को भी भर देंगे। अगला प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज, मैं बेटा प्लीज जब